मीरा मैयर और ये मिस्टर जयंत पिंगुलकर। नमस्कार। इन्होंने शुरू किया है ओनली एंटरटेनमेंट और उसके सौजन्य से हम जो हैं, मेरे ख्याल से 2 या 3 साल बाद अब मैं मेरा जो है सोलो शो करने जा रहा हूँ मुंबई में, जिसका नाम है यादों के झरोकों से। हाँ जी, तो आप कितने एक्साइटेड हैं इस परफॉर्मेंस के लिए? आज जो रिहर्सल किया गया है, ये रिहर्सल कितने दिनों से चल रहा है? हम तो काफी दिनों से रिहर्सल कर रहे हैं अपने आप की तैयारी। आज फुल फाइनल रिहर्सल हमने किया म्यूजिशियंस के साथ, बहुत ही मजा आया, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कई ऐसे हमने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं जो अक्सर देखा नहीं जाता। जैसे आपने आखिर में आप सब थे तो यहाँ पे देखा होगा कि मांड, ये जो राग है, राजस्थान कहते ही केसरिया बालमा सब जानते हैं, मगर बहुत कम लोग जानते हैं कि ये मांड राग पर सीमित है, उस पर आधारित है, सॉरी। और इस राग पर बेस्ड और कई गाने हैं हिंदी फिल्म में, और उन गानों को एक साथ ला करके प्रेजेंट करने की कोशिश जो हमने की है वो अपने आप में एक अलग जो है एक एक्सपेरिमेंट है, और बहुत ही अच्छा रहा। और वैसे ही हमने कई और गानों के जो हैं मिश्रण किए हैं, और कोशिश कर रहे हैं कि 2.5 घंटे के वक्त में ओवर 100 ईयर्स ऑफ इंडियन सिनेमा जो कहते हैं उसे प्रेजेंट करना बहुत मुश्किल है, मगर हमने कोशिश किया है कि उसका जो है कुछ करीम निकाल करके आपके सामने प्रेजेंट करें। लेडीज और जेंट्स दोनों ही आवाज में आप गाने गा रहे थे, एक जन का जॉब ले लिया है अपने। ऊपर वाले का आशीर्वाद और उनकी देन है जो मैं ऐसे कर पाता हूँ, और इसी वजह से जो है मुझे दुनिया में मैं जाना गया हूँ, और बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं ऊपर वाले का कि उन्होंने मुझे ये ऐसे ब्यूटीफुल एक अंदाज से नवाजा है। और ये मैं मिमिक्री नहीं समझता, पहले तो कह दूँ, और संगीत जो है ये एक ध्यान है, ये एक इट इज़ अ पेनेंस लिटरली हम जो कहते हैं, वो किए बिना शिद्दत के साथ जो है रियाज किए बिना और इसके पीछे एक लगन के बिना आप उस शिखर पर नहीं पहुँच सकते। और बचपन से ही जो है मैं जो बच्चों की आवाज़ होती है मीठी आवाज़ वैसे गाया करता था, और उसके बाद वॉइस जवानी में कदम रखते ही मेरी वॉइस जो है क्रैक हुई और मैं ये दोनों ही आवाज़ों में गा पाया। मेरे गुरुजनों का, बड़े बुजुर्गों का, सब लोगों का जो है आशीर्वाद है, और मेहनत तो है ही, और आप सबका प्यार है। तो इस कार्यक्रम के लिए जब आपको इनवाइट किया गया इस परफॉर्मेंस के लिए, तो क्या बताया गया था कि आपको, कितने एक्साइटेड थे कि हाँ इस कार्यक्रम में आपको परफॉर्मेंस देना चाहिए? प्रोग्राम तो मेरा ही है, तो बेसिकली सिंगर, बतौर सिंगर अगर मैं गाता हूँ तो एक्साइटेड हूँ, बिकॉज ऐसे हस्ती के साथ, सायरा मैयर के साथ जब भी हम परफॉर्म करते, आज पहली बार नहीं परफॉर्म कर रहा हूँ मैं, लास्ट 4-5 साल से हम लोग ने कई शोज किए, लेकिन एवरी टाइम इट्स अ वेरी प्लेजेंट एक्सपीरियंस। एक मंझे हुए कलाकार के साथ जब भी हम बात अभी जब भी हम परफॉर्म करते हैं तो उसका अंदाज निराला होता है, उसका एक्सपीरियंस निराला होता है, वो शब्दों में बयां नहीं कर सकता मैं। कल आपको शो देखने आना पड़ेगा, परसों 14th को। तो क्या सोच के साथ आपने इस प्रोग्राम का, इस कार्यक्रम का आयोजन आपने किया है, क्या सोच रखी आपने मन में? सोच ऐसी है कि आजकल का जो माहौल है संगीत का, वो माहौल इतना कंड्यूसिव नहीं है, लोग अच्छे गीत, अच्छे प्रोग्राम्स, अच्छे कंसेप्ट पसंद नहीं किया करते उनको। बेसिकली अगर मैं फॉर एग्जांपल आरडी बर्मन का अगर हम कंसेप्ट करते हो, उसमें सिर्फ वेस्टर्न आरडी बर्मन प्रेजेंट किया जाता है, लेकिन आरडी बर्मन का जो क्लासिकल पार्ट है या सेमी क्लासिकल पार्ट है वो प्रेजेंट नहीं किया जाता। तो सिंपल टर्म्स में अगर मैं बताऊं तो टू स्प्रेड वेरी गुड म्यूज़िक, हमारे पास इतनी ताकत है, हमारे पास इतना रिसोर्स है, तो हम लोग क्यों ना लोगों को कुछ अच्छा दे, कुछ उनके पास ऐसा दे जो वो सालों तक सोचते रहे, याद रखें। आज की जो ऑडियंस है वो कितना तक कनेक्ट कर पाएगी इस प्रोग्राम के लिए खास तौर पे? देखिए, आजकल का जो दौर है वो फास्ट फूड का दौर है, एसेंशियली इट इज अ फास्ट फूड दौर, जिसमें आप एक क्विक बर्गर जाके ऑर्डर कर लिए और खा लिए। और मैं ये हमेशा कहता हूँ कि हम जो गाना गाते हैं या जो गोल्डन एरा जो कहते हैं, ओल्डन नहीं मैं गोल्डन कहूँगा, तो वो हमारे नानी के हाथ का बना जो है कोई भी एक आइटम, या एसेंशियली आप अचार जो कहते हैं, जो हम खाते हैं उंगलियां चाट करके, तो उसके साथ उसे मैं जो है कंपेयर करता हूँ, और उसकी टेस्ट लिंगरिंग बहुत साल तक रहती है, बहुत दिन तक रहती है, और उसके साथ आप फिजट नहीं कर सकते, उसके साथ आप मस्ती नहीं कर सकते, खराब हो जाएगा, उसको आप बिगाड़ दोगे आप। तो
उसको बिगाड़े बगैर अगर आपको कुछ प्रेजेंट करना है तो उसका जो प्योर एसेंस है उसको आपको संभाल कर रखना पड़ेगा. तो वो रखने वाली जो बात है वो जरा जिगर वाली बात है, जो उसको करके मेहनत करके आप प्राप्त कर सकते हैं, उसे मिला मिल सकता है आपको, उसके बिना नहीं मिल सकता. और ये अगर हम इस जनरेशन को नहीं दिखाएंगे और बताएंगे थ्रू आवर परफॉर्मेंसेस, लाइव परफॉर्मेंस को लेकर के, तो वो समझ भी नहीं पाएंगे. बिकॉज आजकल के गाने जो हैं वो हम, मैं खुद गाते हैं, हम सब गाते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, भूल जाते हैं, वहाँ गाया स्टूडियो से कदम बाहर रखा और भूल गए. तो वो उस जमाने में जो गाया करते थे उसमें वो लोग जो हैं ढल जाते थे, कई दिनों तक उन्हें जो है रिहर्सल करना पड़ता था और वो गाना वैसे साथ में मिल करके करने के बाद कहीं जा करके वो क्लासिक गाने निकले और हमें सुनने मिले. और कई गाने तो अभी 60-70 साल पुराने हैं मगर आज भी हम जब सुनते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं हमारे. लेकिन आजकल के गानों के साथ ये होता नहीं. ये नहीं कहूँगा कि आजकल के आर्टिस्ट अच्छे नहीं हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत गुणी आर्टिस्ट हैं, सीखे हैं, मगर वक्त ही ऐसा है कि वो संगीत को वक्त नहीं दे पाते. और प्रोड्यूसर जो कहते हैं कि भाई जल्दी काम ख़त्म करो, टाइम नहीं है, तो पहले जैसा रहा वो जो बात है वो नहीं रही. तो इसीलिए वी वांट टू प्रेजेंट दोज क्लासिक्स. और हम इस प्रोग्राम में कोशिश भी ये की है हमने कुछ एलिमेंट्स जो आजकल के हैं उसे भी इसमें जो है मिला करके हम आपको प्रेजेंट कर सकें, ताकि आज के जनरेशन के जो युवा हैं वो भी इस प्रोग्राम के साथ कनेक्टेड रहें और उसको एंजॉय कर पाए. दीदी की आवाज में गाते हैं आप, दीदी की आवाज कैसे, क्या होता? मैं ये कभी नहीं कह सकता कि मैं दीदी की आवाज में गाता हूँ या आशा ताई की आवाज में गाता हूँ. मैं इन सारे ग्रेट्स जो हैं उन सबके मैं अंदाज कोशिश करता हूँ, उनके अंदाज गाने का जो है अलग है, तो वो सारे मैं कोशिश करता हूँ और वो ही मेरा रियाज है, बचपन से ही रहा है और आज भी करता हूँ. उसके बिना बहुत मुश्किल है. और रियाज जो है That is the only way of music, proper music. तो वो कोशिश है. आपने live performance जिस तरह से, और भारतवर्ष की जब हम भारत की बात करते हैं इसमें तरह तरह की लैंग्वेज है, तरह तरह की बहुत सारे रंग है, काफी कुछ देखने को मिलता है. तो इस मंच पर क्या कुछ आप दिखाने की कोशिश करेंगे, जिस तरह से बहुत सारी जगह है, वहाँ की अलग अलग संस्कृति है, तो उस वो किस तरह से इस मंच पर दिखाएंगे? गाने के माध्यम से हमने कोशिश किया है कि हम सब जो है कवर करें जितना हो सके हमसे. और इसमें अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर्स को हम लोग ने कवर करने की कोशिश की, अलग अलग लिरिक्स राइटर्स और सिंगर्स, सबको जो है इसमें जितना हो सके, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि 2.5-3 घंटे में ये सब कुछ लाना बहुत मुश्किल है, मगर सबको एक एसेंस जो है ना, थोड़ा सा जो उसकी खुशबू, वो आपके सामने लाने का प्रयास है ये. और सिंगर्स भी हमने इसमें जो है कई सिंगर्स के गाने जो हैं इसमें चुने हैं, गायकों के गाने चुने हैं और कोशिश की है. बिल्कुल. अब ये गाना जो आप सब जानते हैं, ये मेरा बहुत फेमस हुआ है. ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, कहा जो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा. ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा. क्या बात है. किशोरदा आशा जी. मैं पंचमदा का एक गीत गा रहा हूँ इसमें, शायद ये शो की ओपनिंग इस गीत से होगी. वादिया मेरा दामन, रास्ते मेरी बाहें, जाओ मेरे सिवा तुम कहाँ जाओगे. वादिया मेरा दामन. इतने अच्छे कार्यक्रम का आप आयोजन कर रहे हैं तो मुंबई के हर ऑडियंस वहां तक पहुंचे और वो इसे देख पाए, उसके लिए किस तरह से वो आप तक पहुंचे और क्या कुछ प्रोसेस है वहां पर आने का, कोई टिकट्स या कुछ है? जी बिल्कुल भैया, हम लोग ने टिकट्स सेल के लिए जो प्रमोशन किया उसमें तो पहले ticketis.com करके एक साइट है, उसमें ये टिकट्स अवेलेबल है. न्यूज़पेपर में हम लोग लगातार इसकी एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं, कल आई थी, शो के दिन भी आएगी एडवर्टाइजमेंट देकर. फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम के मीडिया से हम लोग ने कम से कम 5-6 लाख लोगों तक हम पहुँचे इस कार्यक्रम के द्वारा. टिकट इस का जो बुकिंग है वो बहुत, इट्स अ वार्म रिस्पॉन्स फ्रॉम ऑल द
मुंबई मुंबईकर्स इतने प्रॉब्लम्स के बावजूद भी आज मैं जान रहा हूँ कि मुंबईकर एक टेंशन में, क्योंकि हमारे महाराष्ट्र में बहुत जगह पे बाढ़ आई हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी टिकटिंग बहुत अच्छी है इस शो में। और हम जरूर चाहेंगे आगे चल करके कि इस बाढ़ के लिए, बाढ़ ग्रस्त जो लोग हैं उनके लिए हम कुछ करें। अभी जो है वक्त बहुत कम है, इसलिए इसमें हम कुछ खास कर नहीं पाए हैं, मगर ये हमने सोच रखा है कि हम इस प्रोग्राम के होते ही जो है अगला प्रोग्राम जो है बाढ़ ग्रस्त लोगों के लिए जो है उनके लिए हम उनकी तरफ कुछ करने के लिए फंड रेजिंग करेंगे। तो कोई एज अ गेस्ट के रूप में कोई बड़ा नाम है जो उस टाइम मौजूद होंगे वहां आपके प्रोग्राम में? हमने कुछ लोगों को बुलाया जरूर है, मगर कई कुछ दिक्कतें हैं जिसकी वजह से अभी कमिट नहीं कर पाएंगे कि भाई ये आ रहे हैं ये। हाँ, कुछ हैं, जरूर हैं, स्पेशली सीनियर म्यूजिक डायरेक्टर्स। मैं अभी उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि जो है सीनियर कहते ही पता चलता है कि उनकी तबीयत से भी उन लोग नासाज रहते हैं, कुछ कह नहीं सकते, मगर फिर भी वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ जानी मानी हस्ती जरूर आएंगे। वहाँ पे एक एल्बम लॉन्च भी होने वाला है, उसके बारे में बताइए। कौन सा गाना है? कौन अगला दिन जो है स्वतंत्र दिन है 15th August, तो हम कैसे ये मौका छोड़ सकते हैं। तो लता दीदी वाला जो गाना है जो बहुत फेमस है, वंदे मातरम, जो हमारा जो तो वो गाना मैंने गाने का प्रयास किया है, उसका ऑडियो और उसका वीडियो रिलीज जो है वो उस शाम में हम करने का मतलब करने की ठानी है हमने, और उम्मीद करते हैं कि आप सब पसंद करेंगे वंदे मातरम। वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम।